नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज शुजालपुर से 530 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम की यात्रा पर स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। कोरोना काल के बाद पुनः शुरू हुई इस यात्रा में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने यात्रियों को पुष्प वर्षा कर विदाई दी। अपनों को तीर्थ यात्रा के लिए विदाई देते समय कई परिजनों की आंखों से आंसू झलक पड़े। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक, SDM सत्येंद्र सिंह के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी यात्रियों की व्यवस्था के लिए मौजूद रहे। रामेश्वर धाम की यह यात्रा जिसमें शाजापुर जिले के सभी यात्री हैं और 530 संख्या में सुजालपुर स्टेशन से रूप से जिन लोगों का स्वप्न अधूरा रहता है तीर्थ यात्रा करने का, उस स्वप्न को पूरा करने का एक बड़ा अभियान है और सभी लोग इतने उत्साहित है, आनंदित है। मुझे लगता है कि जीवन का जो अंतिम समय का जो स्वप्न होता है उसका आनंद लेना और उसको प्राप्त करने का सुख सबसे बड़ा सुख होता है और उसी सुख को सब प्राप्त करके आज आनंदित है, आनंद के साथ यहाँ से विदा हो रहे हैं। क्या है, बहुत समय से योजना बंद थी, 2 साल कोरोना के कारण, उसके पहले कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, इसके कारण से बहुत लंबी सूची है। हम कोशिश करेंगे कि रामेश्वर यात्रा एक और ट्रेन आगे चले ताकि जो छूटे लोग हैं उनको बाद में हम यात्रा करा सके। जगन्नाथपुरी की यात्रा भी है, ऐसे सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा है, लगातार अब ट्रेनें चलती रहेगी और दूसरी ट्रेन के समय बाकी लोगों को अवसर मिलेगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।